हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं, जो कि है इफेक्ट्स ऑफ फॉरफीचर। तो फॉरफीचर ऑफ शेयर क्या होता है, सबसे पहले मैं ये आपको बताऊंगा, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि फॉरफीचर का इफेक्ट क्या क्या होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये लेक्चर होने वाला है, इस लेक्चर को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। बट उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोज की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे, राइट? और जब भी आप स्टडी करें तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में आकर के स्टडी करें। जब भी आप हमारे चैनल पे विजिट करेंगे, होम पे जब भी आप आएंगे, नीचे की तरफ आपको जाना है। यहाँ पे देखो इग्नू बीकॉम न्यू शो करेगा, तो इग्नू बीकॉम न्यू के ऊपर आपने क्लिक करना है। आप इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको पूरा का पूरा एक सेक्शन जो है इग्नू बीकॉम न्यू का वो खुल जाएगा, जहाँ पे आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की, जिसके अंदर ढेरों वीडियोज है जिनको देख करके, पढ़ करके, सुन करके आप एग्जामिनेशन की तैयारी आप अपने बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे, राइट? तो चलिए फिर हमारे आज के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि है फॉरफीचर ऑफ शेयर का इफेक्ट, राइट? तो सबसे पहले फॉरफीचर ऑफ शेयर क्या होता है, सबसे पहले वो समझ लो। तो आपने आई होप कि क्लास 12 में आपने फॉरफीचर ऑफ शेयर पढ़ा होगा, जहाँ पे क्या होता है कि सपोज 100 रुपए का कोई एक शेयर है, और उस 100 रुपए के शेयर के बदले आपको जो है 3 भाग में या 4 भाग में आपको जो है पैसे कंपनी को देने हैं। आप पार्टली मतलब एक तरीके से सब्सक्राइब कर रहे हो, आपने अलॉटमेंट दिया, आपने एप्लीकेशन दिया, फिर अलॉटमेंट दिया, फिर कॉल दिया। तो सपोज 25 रुपए, 35 रुपए और 40 रुपए, ऐसे करके 3 जो है आपको देने हैं। तो आपने 25 रुपए सपोज एप्लीकेशन में दिया और अलॉटमेंट में आपने 35 रुपए दिया, मतलब 25 और 35, 60 रुपए आपने पेमेंट कर दिए, 40 रुपए आपको कॉल पे देने थे। तो कॉल वाले केस में आप पैसे नहीं दे पाए, किसी कारण से आप पैसे नहीं दे पाए, तो उस केस में कंपनी क्या करेगी? कंपनी आपकी मेंबरशिप को जब्त कर लेगी, आपके आपके नाम पे जो शेयर्स उन्होंने अलॉट करे थे वो शेयर जो है वो जब्त कर लेगी। तो ये तो जब्त करना होता है, इसी को हम लोग फॉरफीचर बोलते हैं, ठीक है ना? तो फॉरफीचर में यही होता है कि वो लोग शेयर्स को जब्त कर लेते हैं, जो मेंबरशिप आपको मिली हुई थी इतने इतने सारे शेयर्स की, वो सारे के सारे शेयर्स जो है वो लोग जब्त कर लेंगे, जितने के ऊपर आप पैसे नहीं पेमेंट करेंगे। ऐसा नहीं कि सभी को कर लेंगे, जितने के ऊपर आप पैसे पेमेंट नहीं कर पाएंगे, अपना फुल्ली पेड अप नहीं कर पाएंगे, उतने पैसे जो है वो लोग, उतने शेयर जो है वो लोग जब्त कर लेते हैं। और जो पैसे आपके रहते हैं वो भी वो लोग जब्त कर लेते हैं, ऐसा नहीं कि आपको कुछ रिटर्न मिलता है, वो भी नहीं हो पाता, ठीक है ना? तो ये फॉरफीचर होता है। अब बात कर लेते हैं कि फॉरफीचर का जो इफेक्ट है वो क्या पड़ता है। तो सबसे पहला जो यहाँ पे बताया गया वो है सीजेशन ऑफ मेंबरशिप। तो डेफिनेटली आपके पास अगर शेयर था, इसके मतलब आपके पास मेंबरशिप थी। जब आपके पास शेयर ही नहीं रहा तो मेंबरशिप किस बात की, है ना? तो आपका जो मेंबरशिप है वो एक तरीके से सीज कर लिया जाता है बाय वे ऑफ फॉरफीचरिंग योर शेयर, है ना? तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अ पर्सन हू शेयर्स हैव बीन फॉरफिटेड सीजेस टू बी अ मेंबर इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, रेगुलेशन 32(1) ऑफ टेबल एफ। क्लियर कट यहाँ पे बोला गया कि एक पर्सन जिसकी सारे के सारे शेयर्स को जब्त कर लिया गया है, वो मेंबर किसी भी तरीके से नहीं रह जाता उस कंपनी का, ठीक है? लेकिन सिर्फ उतने ही शेयर्स का जितना कि उससे जब्त किया गया है, ऐसा नहीं कि सारे शेयर्स के लिए है जो है उसको ये कर दिया गया, उसको फॉरफीचर कर लिया गया, सिर्फ और सिर्फ उसकी जो मेंबरशिप है वो छीन ली गई, जितने शेयर्स का पैसे वो पेमेंट नहीं कर पाया उतने शेयर्स को ही जब्त किया गया और उतनी की ही उनकी मेंबरशिप जो है वो छीन ली जाएगी। अगला है सीजेशन ऑफ लायबिलिटी। जो लायबिलिटी तुम्हारी थी कि तुमको पेमेंट करने हैं वो भी अब तुमको नहीं करने पड़ेंगे, तो ये एक तरीके से उनके लिए सही हुआ, बट गलत तो होता ही है क्योंकि आपको जो है आपके शेयर्स नहीं मिलते हैं ड्यू टू यू नो नॉट पेइंग द अमाउंट, राइट? तो सीजेशन ऑफ लायबिलिटी, जो लायबिलिटी होती है वो भी एक तरीके से उसको सीज कर ली जाती है। सो द लायबिलिटी ऑफ द पर्सन हू शेयर्स हैव बीन फॉरफिटेड सीजेस इफ एंड व्हेन द कंपनी रिसीव्स पेमेंट इन फुल ऑफ ऑल सच मनी इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, ठीक है ना? तो चूंकि आप पेमेंट नहीं कर पाते हो जो पेमेंट आपको करने थे, तो उस केस में क्या होता है कि आपकी कंपनी के प्राइसेस को एक तरीके से आपकी जो जो सॉरी कंपनी के प्राइसेस नहीं, जो आपके शेयर्स होते हैं उनको सीज कर लिया जाता है, ठीक है ना? इस तरीके से आप याद रख सकते हो। हाउएवर नॉट विद स्टैंडिंग द फॉरफीचर ही रिमेन्स लायबल टू पे द अमाउंट अ कंपनी ऑल मनीज व्हिच एट द एंड डेट ऑफ फॉरफीचर वेयर पेबल बाय हिम टू द कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ द शेयर्स फॉरफिटेड, ठीक है ना? तो यहाँ पे वही जो बात मैंने आपको पहले बताई थी कि जितने भी पैसे उसने अभी तक पेमेंट किए थे वो पैसे भी उसको जो है वापस नहीं मिलते हैं, वो सारे के सारे पैसे जो है कंपनी अपने सिक्योरिटी प्रीमियम बोल रहा, जो कैपिटल रिजर्व का अमाउंट होता है उसमें वो ट्रांसफर हो जाता है। तो ये बात यहाँ पे बताई गई है, आपकी लायबिलिटी भी आपसे चली जाएगी, साथ ही साथ जो आपने पैसे जमा कराए थे वो पैसे भी जो है एक तरीके से वहां से चले जाएंगे, वो पैसे आपको वापस नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है? तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। थर्ड पॉइंट है लायबिलिटी एज अ पास्ट मेंबर।
ठीक है, द फॉर्मर होल्डर शैल रिमेन लायबल एज अ पास्ट मेंबर टू पे कॉस्ट इफ लिक्विडेशन टेक्स प्लेस विद इन वन ईयर ऑफ द फॉरफीचर। अगर कभी ऐसा होता है कि कंपनी जो है लिक्विडिफाई कर दी जाती है, लिक्विडेशन कंपनी का हो जाता है, तो जो मेंबर होता है उसकी लायबिलिटी एक साल तक बनी रहती है। अगर एक साल के भीतर कंपनी लिक्विडिफाई कर गई, लिक्विडेशन कर दिया गया, तो उस केस में भी आपको जो है पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप बच जाओगे, विद इन वन ईयर लेकिन होना चाहिए, एक साल से ज्यादा अगर होगा तो फिर आपको पैसे नहीं पेमेंट करेंगे। तो जो फॉर्मर होल्डर होगा आपके शेयर्स का, वो लायबल होगा एज अ पास्ट मेंबर कि वो जो है कॉल्स की मनी को वापस करे अगर लिक्विडेशन टेक प्लेस होता है एक साल के भीतर तो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फोर्थ पॉइंट है, ऑन फॉरफीचर द फॉरफिटेड शेयर्स बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। तो फॉरफीचर के केस में मैंने आपको बताया था कि कंपनी जब्त कर लेगी, तो जो शेयर्स को वो जब्त करेगी उसका 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 मालिक कौन बन जाएगा, उसका मालिक कंपनी बन जाएगी। हालांकि कंपनी उसको वापस से रीइशू करती है लोगों के लिए, लेकिन फिलहाल जब तक कि वो रीइशू नहीं करती है तब तक कि उसका मालिकाना हक जो है वो मेंबर से छीन करके कंपनी के पास चला जाएगा। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली दीज मे बी रीइशूड और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ ऑन सच टर्म्स इन अ मैनर एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थिंक्स फिट। है ना, तो जैसे मैंने आपको बताया वही बात बोली गई है कि अकॉर्डिंगली ये जो है चीजें उसको वापस से जो है रीइशू किया जा सकता है या फिर इसको एक तरीके से डिस्पोज ऑफ कर दिया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द टर्म्स जो भी है उनके, उसके अकॉर्डिंग अगर बोर्ड ऐसा सोचती है कि इसको डिस्पोज ऑफ कर देना है या रीइशू करना है तो वो वैसा कर सकती है। However, at any time before a sale or disposal of forfeited shares, the board may cancel the forfeiture on such terms of it thinks fit. और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जो forfeiture किया गया है शेयर उसको वो unforfeiture भी कर दे, मतलब उस forfeiture वाले जो किया गया उसको cancel कर दे और वापस से जो है शेयर्स को अलॉट कर दिया जाए शेयर होल्डर्स को। लेकिन डेफिनेटली उनको उस केस में पैसे तो देने ही पड़ेंगे, बगैर पैसे दिए कुछ भी नहीं होता है ना। तो जैसा बैंक सोचेगी, जैसा बैंक के लिए सही रहेगा, आई मीन बोर्ड के लिए सही रहेगा, बोर्ड वैसे डिसीजंस को जो है लेगी। ठीक है, The right of the company upon forfeiture is only to dispose of the share and use the proceeds for discharging the liability for which the forfeiture was affected. If there is any balance, it belongs to the defaulter and cannot be appropriated by the company. है ना, यहाँ पे देखो example भी दिया गया है, नरेश चंद्र सान्याल और कैलकटा स्टॉक एक्सचेंज के बीच में एक जो है ये इशू पैदा हुआ था, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि इस तरीके से जो है आपको अपनी एक्टिविटीज को करना है। तो इफेक्ट्स ऑफ फॉरफीचर में ये सारे के सारे चार पॉइंट्स था। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, थैंक यू।